नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्ने क्लासेस पर। और आज की जो क्लास है प्यारे बच्चों, वो केमिस्ट्री 12 क्लास द सॉलिड स्टेट, जिसकी तीन वीडियो आपके पास पहले ही है। ये सॉलिड स्टेट के फोर्थ वीडियो, और आज हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी जो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड है, उसे प्यारे बच्चों आपके सामने कंप्लीट करेंगे। सॉलिड स्टेट को हमने अपने भी आपको कई फेजेस में डिवाइड किया है, तो आज हम पहला फेज बिल्कुल खत्म कर देंगे इंट्रोडक्शन का, और कल हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, या अगली वीडियो में हम आपके सामने बात रखेंगे कि सॉलिड कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, यानी कि अरेंजमेंट इन सॉलिड। तो प्यारे बच्चों, आज इंट्रोडक्शन खत्म आज की इस वीडियो में। इससे पहले मैं जल्दी जल्दी आपको रिकैप करा दूं कि पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया कि सॉलिड क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड की हम बात कर चुके हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद प्यारे बच्चों, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप की बात कर चुके हैं कि वो आयनिक सॉलिड होते थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड होते थे, वो मेटेलिक सॉलिड होते थे, और वो कोवेलेंट सॉलिड होते थे। उनके बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की बात कर चुके हैं प्यारे बच्चों, और अंतिम वीडियो में हमने सॉलिड के पहले टाइप यानी कि आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात की थी। आज प्यारे बच्चों, हम बचे हुए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप हैं उनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो ज्यादा समय लेते हम स्टार्ट करते हैं आपका लर्निंग प्रोसेस। आयनिक सॉलिड, द फर्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, कूलॉम्बिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस। जहां तक बात है प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी की, तो मैं आपके सामने उनको रख चुका हूं, फिर भी जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी थी बेटा, दे आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर, कि वो रूम टेम्परेचर पे हार्ड होते हैं। फिर हमने बोला था कि दे आर ब्रिटल, वो जल्दी टूटने वाले होते हैं, यानी कि उनके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती। यदि आपने किसी भी चीज से हैमर्ड करोगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे। फिर हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों की दे आर सोलेबल इन पोलर सोलवेंट और इनसोलेबल इन नॉन पोलर सोलवेंट, यानी कि प्यारे बच्चों आयनिक सॉलिड पोलर सोलवेंट में तो घुलते हैं, नॉन पोलर सोलवेंट में नहीं घुलते। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने बात की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, आयनिक सॉलिड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, बट दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। एक्सप्लेनेशन भी प्यारे बच्चों मैंने उस टाइम आपको बताई थी कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, जब वो मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, तो उनके आयंस फ्री टू मूव होते हैं, और फ्री टू मूव जब आयन होंगे प्यारे बच्चों, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। पर सॉलिड स्टेट में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से आयंस फ्री टू मूव नहीं होते, इसी वजह से वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। ये कुछ प्रॉपर्टी थी आयनिक सॉलिड की जो हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल या प्यारे बच्चों एटम ऑफ नोबल गैस। पहली प्रॉपर्टी कहती है बेटा, दीज आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। प्यारे बच्चों, ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट में होते हैं। मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि कंफ्यूज मत होना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप है और सर आप कह रहे हो कि ये गैसेस स्टेट में होता है। बेटा, कोई भी लिक्विड, कोई भी सॉलिड, कोई भी गैस इंटर कन्वर्टेबल होता है बाई चेंजिंग देयर टेम्परेचर, बट उनकी अरेंजमेंट नहीं बदलती। इसलिए प्यारे बच्चों,
जो आयनिक सॉलिड था वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में था क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था, और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है जिनके मॉलिक्यूल्स पार्टिकल ये होते हैं और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपको पता है प्यारे बच्चों लंदन डिस्पर्जन फोर्स या वीक डिस्पर्जन फोर्स, जो प्यारे बच्चों सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट में मिलते हैं। दूसरी बात प्यारे बच्चों, दीज आर इंसुलेटर्स। प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ना तो मोल्टन स्टेट में और ना ही सॉलिड स्टेट में और ना ही एक्वास्टेशन में, क्योंकि प्यारे बच्चों इनके अंदर आयंस नहीं है, इनके अंदर मॉलिक्यूल्स है, और जब बेटा इनके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके अंदर आयन कभी बनेंगे ही नहीं, और जब आयन नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की तो बात ही नहीं आती। तो दीज आर इंसुलेटर्स, दीज आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। थर्ड, दीज हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट प्यारे बच्चों सबसे कम होता है क्योंकि इनके अंदर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, दीज आर सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसोलेबल इन पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगे। ये थी प्यारे बच्चों कुछ प्रॉपर्टी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों ये दो, कि एक तो ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट में होते हैं और एक ये इंसुलेटर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ये दो प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों इसे आयनिक सॉलिड से काफी डिफर करता है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। प्यारे बच्चों पहली प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक HCl, लाइक SO2। और प्यारे बच्चों के अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, और प्यारे बच्चों डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए प्यारे बच्चों रूम टेम्परेचर पे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड गैसेस स्टेट में नहीं होते, दीज आर समहाउ गैसेस या फिर सॉलिड वोलेटाइल लिक्विड्स। या तो प्यारे बच्चों ये गैसेस स्टेट में होंगे या फिर ये वोलेटाइल लिक्विड स्टेट। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब ऐसा लिक्विड जिसको वेपर में कन्वर्ट किया जा सकता हो, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड तो ऑलवेज गैसेस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, पर पोलर मॉलिक्यूल या तो गैसेस या फिर प्यारे बच्चों वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में मिले। सेकेंड और वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर इंसुलेटर्स। प्यारे बच्चों ये इंसुलेटर थे, और जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ये बात ध्यान सुनना प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, मोल्टन स्टेट में भी इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं प्यारे बच्चों, वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे। प्यारे बच्चों कुछ ऐसे समझ लो दिस, यानी ये इंट्रैक्शन जब टूटेगी, जब आप इसे मेल्ट करोगे तो ये अपने आप में एक अलग चीज बनेगी, और ये अपने आप में एक अलग चीज बनेगी जिसकी वजह से प्यारे बच्चों आयन स्पॉटिंग नहीं बने। NaCl तो ना तो ऐसे टूटता है ना प्यारे बच्चों, अब यदि वो यहां से ब्रेक करेगा तो Na अलग और Cl अलग बनेगा, पर इसके केस में अलग एक डाइपोल, अलग एक डाइपोल क्रिएट होगा और अभी भी कोई आयन नहीं बना। इसलिए प्यारे बच्चों ना तो मोल्टन स्टेट में और ना ही सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। पर हां अ वेरी इंपॉर्टेंट, इन एक्वस सॉल्यूशन दीज आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने 10th क्लास में पढ़ा है HCl एक एसिड है, और HCl वाटर की अब्सेंस में अपनी एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाता, और HCl जब वाटर में होता है प्यारे बच्चों
तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाता है। तो याद रखना दीज आर इंसुलेटर्स इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट, बट इन एक्वा सॉल्यूशन यानी जब इन्हें पानी में डाला जाएगा दे बिकम कंडक्टर्स। बाकी प्रॉपर्टी कोई खास नहीं है, अनयूजुअल सी है, फिर भी मैं जल्दी जल्दी आपको बता दू। यदि आपसे कोई पूछे कि नॉन पोलर की बजाय पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा, तो प्यारे बच्चों ऑब्वियस सी बात है जमीन के अंदर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होगा। थर्ड इज एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। प्यारे बच्चों एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की प्रॉपर्टीज की जहां तक बात है, इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं, आप सभी जानते हैं। ज्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये भी आप सभी जानते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड तीनों तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स रखता है, इसलिए प्यारे बच्चों इन तीनों टाइप के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही फोर्स है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा होता है। या ये कहिए मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही होता है। प्यारे बच्चों यदि बात करूं मैं रूम टेम्परेचर पे स्टेट की, तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड रूम टेम्परेचर पे आइदर लिक्विड या फिर वैक्सी सॉलिड। प्यारे बच्चों वैक्सी सॉलिड मोम जैसे सॉलिड को बोलते हैं जो आराम से माउ जैसे लिक्विड टाइप, तो रूम टेम्परेचर पे या तो ये लिक्विड होंगे या वैक्सी सॉलिड होंगे, यानी गैस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। रही बात बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते ना तो एक्वा सॉल्यूशन में ही और ना मोल्टन स्टेट में ही, क्योंकि ये आयंस में बिल्कुल भी नहीं टूटते। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस बात है इन तीनों में सबसे ज्यादा होता है। ये कुछ प्रॉपर्टी हमने फील्ड की बेटा मोलिकुलर सॉलिड्स के बारे में। नेक्स्ट इज कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड्स इनको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आप सभी जानते हैं, पहले लेक्चर में आप सुन भी चुके हैं कि एटम होते हैं नॉन मेटल्स के जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, डायमंड ग्रेफाइट सिलिकॉन कार्बाइड इसी सॉलिड के एग्जांपल है। बात करें प्रॉपर्टीज की तो दीज हैव हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा जितने भी टाइप के सॉलिड होते हैं उन सॉलिड में सबसे ज्यादा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट प्यारे बच्चों कोवेलेंट सॉलिड्स का ही होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नेचर में डायरेक्शनल होता है और ये जॉइंट मॉलिक्यूल बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में जुड़ के, इसलिए प्यारे बच्चों इन सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और ये रूम टेम्परेचर पे बहुत हार्ड भी होते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट एवर नोन, अभी तक का जाना गया हार्डेस्ट एलिमेंट डायमंड ही है जो एक कोवेलेंट सॉलिड है। जहां तक बात है बेटा कंडक्टिविटी की, तो दीज आर इंसुलेटर्स। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि इनके भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होते हैं और एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। और प्यारे बच्चों एक एक्सटेंशनल केस है और वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट प्यारे बच्चों एक कोवेलेंट सॉलिड है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। प्लस वन क्लास में आपने ये बहुत अच्छी तरह से जाना होगा और इसका रीजन भी पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होता है और वहां एक कार्बन केवल तीन कार्बन से अटैच होती है और उस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड नहीं बनाया प्यारे बच्चों वो फ्री टू मूव होता है। इसी वजह से ग्रेफाइट प्यारे बच्चों नेचर में सॉफ्ट भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है।
इससे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों यहां से नहीं आएगा, पर इतना जरूर याद रखना कि कोवालेंट सॉलिड में ग्रेफाइट एक ऐसा सॉलिड है जो सॉफ्ट भी है और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है। अब बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल टाइप, दिस इज मेटालिक सॉलिड। इसके बारे में जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको बस याद दिलाऊंगा। मेटालिक सॉलिड नथिंग, दीज आर द मेटल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। आपने पढ़ा था मेरे साथ कि मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटालिक बॉन्ड होता है। बेटा मेटालिक सॉलिड्स, और फिर वही 10th क्लास में मेटल की प्रॉपर्टीज याद कीजिए, दे आर डक्टाइल, दे आर मैलेबल, दे हैव लक्षर सरफेस, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट हीट ऑल्सो, दे आर सोनोर्स, और एक मजेदार बात, दे आर इनसोल्युबल इन वॉटर लाइक थिंग्स, दे आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर। आप सभी को पता है सोलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इसलिए जो मेटल है वो सबके सब मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, सबके सब मेटेलिक सोलिड में ही आते हैं। ये था प्यारे बच्चों द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सोलिड, और ये था प्यारे बच्चों कंप्लीट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सोलिड। हमने आयनिक सोलिड को पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा, हमने मॉलिक्यूलर सोलिड पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा, हमने कोवालेंट सोलिड पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा, और हमने मेटेलिक सोलिड पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ा। प्यारे बच्चों आज आपके सामने, आज शायद शाम तक आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ फाइल का, जिसमें पहले चैप्टर के नोट्स भी होंगे प्यारे बच्चों, और साथ में आप जो एक टेबल मैंने आपको बताई आयनिक सोलिड, मोलिकुलर सोलिड, मेटेलिक सोलिड, कोवालेंट सोलिड, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, उनके अंदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, वो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर के बाद पीडीएफ फाइल में वो टेबल आपको तैयार मिल जाएगी, तो उस टेबल को आपने रीड करना प्यारे बच्चों। वो टेबल ही इंपॉर्टेंट है, पर टेबल आपको समझ आए इसलिए मैंने सब कुछ डिटेल में आपके सामने रखा। चलते चलते कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको अभी याद करा देता हूँ। CO2 ड्राई आइस, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको ये भी बोल सकते हैं इट इज अ ड्राई CO2, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि जो CO2 है या जो ड्राई आइस है वो कौन से टाइप का सॉलिड है, तो प्यारे बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। सिंपल आइस प्यारे बच्चों जो कि वाटर से बनता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, वो एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। प्यारे बच्चों 10th क्लास में आपको जो चैप्टर पढ़ा था कि NaCl, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑल दीज आर आयनिक सॉलिड्स। NaCl, MgCl2, लाइक कॉपर क्लोराइड, लाइक कॉपर सल्फेट, दीज ऑल आर आयनिक सॉलिड्स। KCl क्या है बच्चों, आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट इज डायमंड, ग्रेफाइट, तर बच्चों कोल यानी कि कोयला, वो इसी में आता है, दीज आर द कोवालेंट सॉलिड्स। और प्यारे बच्चों मेटालिक सॉलिड, आपको कोई पूछे कि एल्यूमिनियम कौन सा टाइप का सॉलिड है, तो मेटालिक सॉलिड। मैग्नीशियम, अकेला मैग्नीशियम कौन सा टाइप का सॉलिड है, तो मेटालिक सॉलिड। आपसे कोई पूछे कि सोडियम किस टाइप का सॉलिड है, तो मेटालिक सॉलिड। आपसे कोई पूछे कि आयरन किस टाइप का सॉलिड है, तो मेटालिक सॉलिड। तो प्यारे बच्चों ये थे टाइप ऑफ सॉलिड्स और ये थे कुछ एग्जांपल। यदि आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई पूछना है कि सर ये किस टाइप का मॉलिक्यूल होगा या ये किस टाइप का सॉलिड होगा, तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से टाइप का सॉलिड है। ये था प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड। यहां सॉलिड का इंट्रोडक्शन खत्म होता है, उसका टाइप खत्म होता है, और जो नेक्स्ट अब हम चलेंगे प्यारे बच्चों वो हम चलेंगे अरेंजमेंट इन सॉलिड, कि सॉलिड में अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, सॉलिड की अरेंजमेंट कैसे काम करती है। हमने बात ही करनी है किसकी बेटा, अरेंजमेंट इन सॉलिड्स।
तो पहले कुछ आपके साथ पढ़ी चुके हैं कि क्रिस्टलाइन फ्लूइड के अंदर एक रैपिड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होती है, थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर शॉर्टेज ऑर्डर भी होता है और प्यारे बच्चों लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी मौजूद होता है। आज हम कुछ शानदार डेफिनेशंस पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। मैंने क्रिस्टलाइन फ्लूइड को ड्रॉ किया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज किया थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर, और जिस जब मैं इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करता हूं प्यारे बच्चों, तो ये सभी मिलके एक क्रिस्टल का रूप लेते हैं, या कह लीजिए कि एक सॉलिड का रूप लेते हैं। तो कह रहे बच्चों, जब ये क्रिस्टल बन गया तो ये जो अरेंजमेंट है इसको कह रहे बच्चों क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। दिस इज क्रिस्टल लेटिस। तो व्हाट इज क्रिस्टल लेटिस? इट इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में रेगुलर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की आपको एक क्रिस्टल लैटिस या फिर एक स्पेस लैटिस तैयार करके देती है। तो व्हाट इज द स्पेस लैटिस या व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस? इट इज डिफाइंड एज द स्पेस इन विच देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज द क्रिस्टल लैटिस या प्यारे बच्चों स्पेस लैटिस। अब प्यारे बच्चों, इस क्रिस्टल लैटिस का द स्मॉलेस्ट पोर्शन, सबसे छोटा पोर्शन जिसने अपने आप को बार बार रिपीट किया, जिससे कि ये पूरा का पूरा सॉलिड तैयार हुआ, जिसने अपने आप को बार बार रिपीट किया, जिसने अपने आप को बार बार रिपीट किया, इस स्मॉलेस्ट पोर्शन को यूनिट सेल बोलते हैं। तो व्हाट इज द यूनिट सेल? जिस तरह आपके पूरे के पूरे कपड़े को तैयार करने में जो ईट होती है बेटा, वो यूनिट सेल का काम करती है। और जब ईट को मैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में तैयार कर देता हूं तो एक रूम का नक्शा तैयार हो जाता है। तो व्हाट इज द यूनिट सेल? इट इज द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूस द कंप्लीट लैटिस। मीन्स प्यारे बच्चों, ये स्मॉलेस्ट थ्री डी पोर्शन है क्रिस्टल लैटिस का, विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस प्रोड्यूस द कंप्लीट लैटिस। What is unit cell? Smallest portion of crystal lattice which when repeated over and again in different direction produce the complete lattice. यानी कि प्यारे बच्चों, वो जो क्रिस्टल लैटिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने मिलकर तैयार की थी, और वो जो सबसे छोटा उन्होंने एक रेगुलर अरेंजमेंट बनाई, और जिसको मैंने ऊपर नीचे आगे पीछे जब रिपीट किया तो क्रिस्टल लैटिस तैयार हुई, उस सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन को यूनिट सेल बोलते हैं। यानी कि जो वो ईंट है वो यूनिट सेल है। ईंट के यहां ईंट रखिएगा, ऊपर ईंट, साइड में ईंट रखते चले जाइएगा, तो एक थ्री डायमेंशनल पोर्शन तैयार होगा, वो थ्री डायमेंशनल पोर्शन क्रिस्टल लैटिस, और जिसकी सहायता से आपने उसको रख के तैयार किया प्यारे बच्चों, वो यूनिट सेल। तो व्हाट इज यूनिट सेल? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ
crystal lattice which when repeated over and again in different direction produce the complete lattice. कुछ ऐसा समझिए प्यारे बच्चों कि मेरे पास ये एक बुक है, ये एक यूनिट सेल है, एक बुक और है, ये दूसरा यूनिट सेल है. मैंने इन दोनों को रखा तो ये क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा. मैं इसके ऊपर भी बुक रख सकता हूँ, इधर वाले के ऊपर भी बुक रख सकता हूँ. तो ये बुक रखते चले जाएंगे तो ये एक लैटिस तैयार हो जाएगी. और उस लैटिस का जो तो सबसे छोटा पार्ट है वो एक बुक है. तो दिस इज द यूनिट सेल एंड द होल अरेंजमेंट वी गेट इज द क्रिस्टल लैटिस. तो प्यारे बच्चों दिस इज द यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस. एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि यूनिट सेल क्या था और क्रिस्टल लैटिस क्या था. अब प्यारे बच्चों अबाउट क्रिस्टल लैटिस, अबाउट क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस के बारे में हमें पढ़ना है. हमने देखा रेगुलर मेथड ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, बट एवरी पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस या प्यारे बच्चों साइट भी बोल सकते हैं, एवरी पॉइंट या साइट विच रिप्रेजेंट ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस, सॉरी लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट. इट मींस एवरी पॉइंट, ये पॉइंट क्या है जो यहां भी हो सकता है, ये भी एक रेगुलर अरेंजमेंट है, जो यहां हुआ वो यहां भी हुआ. तो वो प्रत्येक पॉइंट जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पड़ा होगा उस प्रत्येक पॉइंट को या तो लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट बोलते हैं. यानी कि एवरी पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच रिप्रेजेंट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट. सेकेंड, इन रियलिटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं प्यारे बच्चों वो ऐसे होते हैं, उनके बीच में कोई लाइनिंग नहीं होती. वी जस्ट ड्रॉ द लाइन टू रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री, वी जस्ट ड्रॉ द लाइन टू रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री. दीज आर द 1, 2, 3, 4, 5, 6 constituent particle form a hexagonal. I draw just represent the geometry. मैंने उनके सेंटर को मिलाते हुए जो लाइन डाली प्यारे बच्चों ये केवल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए है. वास्तव में यहाँ कोई लाइन्स नहीं होती, ये क्लोजली पैक होते हैं. तो सेकेंड अबाउट क्रिस्टल लैटिस में है कि द लाइन बिटवीन द टू constituent particle इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, इट इज जस्ट रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस. और लैटिस की प्यारे बच्चों ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करता है. दिस इज अबाउट सम क्रिस्टल लैटिस. नाउ अबाउट यूनिट्स, इट इज अ थ्री डायमेंशनल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस. Which when repeated over and again in different direction produce the complete lattice. Now I am going to explain something about unit cell. मैंने एक छोटे से ड्रॉइंग करने की कोशिश की और मैं
किसी एक पर्टिकुलर चीज को डार्क करूंगा यहां पे, this is unit cell and all this is crystal lattice. जब मैंने इस यूनिट सेल को आगे पीछे ऊपर नीचे बार बार रिपीट किया तब ये कंप्लीट लेटिस तैयार हुई है, और इस कंप्लीट लेटिस का ये स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन रहता है बच्चों, इसी को मैंने यूनिट सेल बोला। बच्चों यहां से इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना, इसके बाद ये चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है यदि आपने बेस क्लियर नहीं किया कि यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होती है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, प्लीज अटेंटिवली लेक्चर को सुनिए। द स्मॉलेस्ट पोर्शन 3 डायमेंशनल ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज द यूनिट सेल। अब क्या है बच्चों, मैं इस यूनिट सेल को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं। दीज आर द एक्सेस, एज यू नो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। लेट अस, इट इज ए बी एंड सी एंड देयर इज सम एंगल बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल दिस इज क्यू, जिसमें आप सभी जानते हैं कि ए बी एंड सी ऑल आर इक्वल एंड द एंगल बिटवीन देम आर 90। दीज थ्री एंगल्स मैप विदाउट एंगल्स ऑल इक्वल टू 90। मैंने इसको एग्जाम्पल देता है बच्चों, यानी कि किसी भी यूनिट सेल की ज्योमेट्री क्या होगी वो दो चीज पर डिपेंड करता है कि लेंथ क्या इक्वल है, एंगल्स कितने हैं। दीज टू आर द पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल को जो डिफाइन करता है, जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं क्या बच्चों, एज लेंथ यानी कि एबीसी एंड द एंगल बिटवीन एजेस। अल्फा, बीटा एंड गामा। किसी भी यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एज लेंथ एज वेल एज एंगल बिटवीन द एजेस की आवश्यकता होती है। तो व्हाट इज द पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ एंड द एंगल बिटवीन द एजेस। दिस इज समथिंग अबाउट यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। व्हाट इज यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस which will repeat over and again in different action produce the complete lattice. In crystal lattice, every point which represents the constituent particle is the lattice site or a lattice point. There is no time space between them, there is not any line between them, line is just to represent the geometry. About unit cell, three are the azimuth and diagonal between the edges. पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल जो डिस्क्राइब करते हैं कि यूनिट सेल किस टाइप की होगी। प्यारे बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक, कल हम बात करेंगे यूनिट सेल के टाइप के बारे में और हम थोड़ा सा स्पीड को अपनी इंक्रीज करेंगे। वेट एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द टाइप ऑफ यूनिट सेल। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।